आज हम बनाएंगे आलू और सहजन की सब्जी। इसके लिए हमने ये आलू को उबाल कर रख लिया है और देख लीजिए ये इतने बड़े बड़े टुकड़े में सहजन को काट करके अच्छी तरह से गर्म पानी और नमक में धो करके रखे हैं। अब इसका सब्जी बनाएंगे। इसके लिए जो मसाला है वो मसाला अभी हम दिखा रहे हैं। ये लहसुन की और 10 कलियां है, अदरक है, ये 1 बड़े चम्मच सरसों है, जीरा है और ये काली मिर्च ब्लैक पेपर है और ये एक हरी मिर्च है। इन सब का हम पेस्ट बना लेंगे सिलबट्टे पर पीस करके अच्छी तरह से। ये देखिए हमने इसे सिलबट्टे पर अच्छी तरह से पीस करके पेस्ट बना लिया है और हम अब देंगे इसमें 2 बड़े साइज के टमाटर अच्छी तरह से कटे हुए, 1 बड़े प्याज कटे हुए, 3 मसालों का हम उपयोग करेंगे तड़के के लिए। जीरा, तेजपात और हींग का इस्तेमाल करेंगे। 1 छोटे चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटे चम्मच बहुत ही कम मात्रा में गरम मसाला पाउडर और ये कसूरी मेथी। गार्निशिंग के लिए हम ये धनिया पत्ता का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम सब्जी बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। हमने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल कढ़ाई में दे दिया है और इसे गर्म होने देते हैं अच्छी तरह से। इसमें हम 1 तेज़पात डालेंगे, जीरा और हींग भी डालेंगे और इसे एकदम लो फ्लेम पर पकने देंगे। पक चुके हैं जीरा, अब हम इनमें कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे 5 मिनट तक भूनेंगे। फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे और इसे प्याज को 5 मिनट तक भूनेंगे। देखिए प्याज हल्के पक चुके हैं, अब हम इनमें मसालों को डालेंगे। इसमें 4 लाल मिर्च टुकड़ों में किए हुए डालेंगे, इससे सब्जी का फ्लेवर और कलर दोनों बहुत ही अच्छा आता है। हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च तीनों को मसालों को हम इनमें मिलाएंगे और अच्छी तरह चलाएंगे। हमने जो मसाले पीस कर रखे थे सिलबट्टे पर, काले सरसों के दाने, लहसुन, मिर्च, अदरक, जीरा और ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इन सब का पेस्ट को हम मिलाएंगे और अच्छी तरह से मसालों को भूनेंगे। मसालों को हम हमेशा लो फ्लेम पर ही भूनते हैं जिससे कि वो अच्छी तरह से रहते हैं, उनका मॉइस्चर बना रहता है, नहीं तो वे जल जाते हैं। इन्हें धीरे धीरे भूजते रहेंगे। देखिए सारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इनमें कटे हुए टमाटर को डालेंगे। टमाटर देने के बाद हम इनमें नमक डाल देंगे।
इससे टमाटर जल्दी पक जाते हैं। नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। मसाले वाली कटोरी में थोड़ा सा पानी देकर हम मसालों में डालेंगे, जिससे मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं, और इन्हें हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। सारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे। देखिए 5 मिनट बाद मैंने मसालों को ढक्कन हटा करके देखा, मसाले अच्छी तरह से भुन रहे हैं। इसे हम चलाते रहेंगे जिससे टमाटर अच्छी तरह गल जाए। मैश करते हुए चलाएंगे, मसालों को अच्छी तरह से मैश करेंगे। सारे टमाटर मिल जाएंगे, क्योंकि हमने टमाटर का प्यूरी नहीं बनाया हुआ था, इसीलिए हम इसे कलछी की मदद से ही अच्छी तरह से मैश करेंगे। देखिए किस तरह से हम चला रहे हैं, आप देख सकते हैं मसालों का कलर कितना अच्छा आया है। इसे लगातार चलाते जाना है, पता भी नहीं चलेगा कि ये प्यूरी बनाए हुए टमाटर नहीं है। इन्हें हम फिर ढक देंगे, ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। ढक ढक कर देखिए, अब हमारे मसाले के ऊपर तेल आने लगा है। इसका मतलब है कि हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, अब इनका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। देख सकते हैं आप कि अब पता भी नहीं चल रहा है कि हमारे मसाले में कटे हुए टमाटर थे। सारे मसाले अच्छी तरह से मिल चुके हैं, एकदम थिक पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है मसालों का। अब हम इनमें आलू, उबले हुए आलू और सहजन को डाल देंगे, और इन्हें 5 मिनट तक अच्छी तरह भुनेंगे ताकि सब्जियों में मसाले अच्छी तरह मिल जाए। मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह भुनेंगे, लगातार भुनेंगे ताकि सब्जियों में मसाले अच्छी तरह से मिल जाए। आलू और सहजन अच्छी तरह से भुन चुके हैं, अब हम इनमें गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी, 1 चम्मच करीब पानी डाल देंगे, जिससे कि वो अच्छी तरह सब्जियों में मिल जाए। आप देख सकते हैं सब्जी कितनी अच्छी तरह से मसालों में मिल चुके हैं, और इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे कि गरम मसाला और कसूरी मेथी की खुशबू सब्जियों में आ जाए। हो चुके हैं हमारे सब्जी पूरी तरह से तैयार, अब आप देख सकते हैं। अब इन्हें हम ज़्यादा नहीं भुनेंगे, अच्छी तरह से इन्हें मैं भुना चुका हूँ। इनमें पानी दे देंगे, हमें जितना पानी चाहिए उतना ही देंगे। यदि आप गाढ़ी सब्जी चाहते हैं तो कम पानी दीजिए, आप अपनी इच्छा के अनुसार सब्जियों में पानी दे सकते हैं। थोड़ा पानी और डालेंगे ताकि अच्छी तरह से मसाले मिल जाए, और एक उबाल आने देंगे ढक करके। देखिए अच्छी तरह से मिल चुके हैं सब्जी। आलू और सहजन की बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है, इसे आप चावल के साथ खा सकते हैं, गर्मा गर्म रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है ये सब्जी। 2 मिनट के लिए मैंने इसे ढक दिया है, एक उबाल आने पर देखिए दिख रहा है हमारी सब्जी में उबाल आ चुके हैं। अब हम इनमें धनिया पत्ता की गार्निशिंग कर देंगे, और 5 मिनट ढकने के बाद गैस को बंद कर देंगे।
हमारी सब्ज़ी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, आप इसे घर पर बनाइए और खाइए, हमें बताइए कैसी बनी है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बनाइए खाइए। अब हम इन्हें इसे ढक देंगे, सब्जी को ढक देने से सब्जियों में मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू अंदर ही रह जाती है। ढक करके गैस को बंद कर देंगे। देखिए हमारी सब्जी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। हम सब्जियों को सर्विसिंग बाउल में निकाल लेंगे और इन्हें लीजिए, तैयार है हमारी सब्जी खाने के लिए, आप इसे खाइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट कर बताइए कैसी लगी आपको हमारी सब्ज़ी।